हेलो दोस्तों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा और मैं डेली 7 बजे शाम को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके वहाँ पर ऑल सिलेक्ट करना है, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज इसमें टॉपिक लिया गया है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। यानी कि आज हम लोग यहाँ पर जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके प्लेटों के बीच जो है वैद्युत क्षेत्र में हम लोग ऊर्जा घनत्व तो यहाँ पर ज्ञात करेंगे। और इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर जब क्वेश्चन आता है तो ये अलग अलग प्रकार से आता है। तो पहले आप ये टॉपिक समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र से। और समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में आपको याद रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटों में एक प्लेट जो होती है वो धनावेशित होती है, यानी कि एक पर प्लस आवेश होता है और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश होता है। और दोनों आवेश जो होते हैं वो परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। और जो ऋणावेशित प्लेट होती है इसके बाहरी सिरे को जो है वो पृथ्वी से जोड़ा जाता है, यानी कि इसको यहाँ पर भू संपर्कित किया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार समांतर प्लेट संधारित्र होता है। अब आपको इसमें याद रखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी आपको मान लेना है स्मॉल डी। इसके अतिरिक्त आपको इसमें ये मान के चलना है कि यहाँ पर इन प्लेटों के बीच जो है यहाँ पर वायु भरी गई है। इसके अलावा यहाँ पर परावर्तांक भी भरा जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर ये मान के चलना है कि यहाँ पर इन प्लेटों के बीच में वायु या फिर निर्वात है। और यहाँ पर इन दोनों प्लेटों का समान क्षेत्रफल आपको मान लेना है कैपिटल ए। तो आपको ये मान लेना है और आप यही यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस फिगर की सहायता से कि माना समांतर प्लेट वायु संधारित्र। याद रखिएगा, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्रत्येक आवेशित प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, याद रखिएगा। और इसके अलावा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो अगर क्षेत्रफल यहाँ पर ए होगा और इसके अलावा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अब इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर वायु या निर्वात के स्थान पर के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ दिया गया है तो फिर यहाँ पर हम लोग सूत्र लिखते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन यहाँ पर परावैद्युतांक के स्थान पर वायु है, इसलिए यहाँ पर C बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अब इसको हम लोग चाहे तो यहाँ पर समीकरण एक मान लीजिए, या फिर अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V है, यहाँ पर आपको मान लेना है कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है तो वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, तो यहाँ पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र में जो है संचित ऊर्जा ज्ञात करेंगे पहले। और संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऊर्जा को लिखते हैं U से और सूत्र होता है U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये धारिता आपको दी गई थी, चाहे तो आप धारिता का मात्रक भी लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से फैराड। तो ये आपको यहाँ पर धारिता दी गई थी और यहाँ पर ये संचित ऊर्जा है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर C आया है, अगर आप चाहें तो इस C का मान आप यहाँ से रख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ये मान आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा एक बटे दो, इस C की जगह पे आपको लिखना है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी इस प्रकार से, और इसके आगे यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर। तो ये इतना होगा। अब इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको इसमें ये बताया गया है कि इन प्लेटों के बीच का विभवांतर वी है, इसके अलावा प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो अगर यहाँ पर हम लोग प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो
तो प्लेटो के बीच विद्युत क्षेत्र का सूत्र ध्यान दीजिए लिखा जाएगा E बराबर V बाई डी। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम लोग V का मान ज्ञात करें, तो अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ से आप V ज्ञात करेंगे तो D इधर गुड़े में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा V बराबर E इंटू डी इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर हम लोग V का मान जो है E इंटू डी रखेंगे इसके अनुसार। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर संचित ऊर्जा हो जाएगी U बराबर एक बटे दो एप्सिलॉन नॉट ए बटे में यहाँ पर हो जाएगा डी, इसके बाद वी स्क्वायर दिया गया। जब वी का मान आप ई इंटू डी रखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ई स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा डी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एक डी से ये डी जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा यू बराबर एक बटे दो इतना होगा, इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा ई स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको लिखना है ए और इंटू में हो जाएगा डी। यहाँ पर ये हम लोगों ने ऊर्जा ज्ञात की है, चाहे तो आप इसका मात्रक लिख सकते हैं यहाँ पर जूल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ए यहाँ पर क्षेत्रफल है और डी यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, यानी कि ए इंटू डी यहाँ पर मिलकर बन जाएगा आयतन। तो ए इंटू डी यहाँ पर हो गया आयतन। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है प्रति एकांक आयतन में जो है संचित ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा गया था कि प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या फिर अर्थात में लिखा गया ऊर्जा घनत्व, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा घनत्व लिख के भी आ सकता है या फिर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व। तो अब ध्यान दीजिए ऊर्जा घनत्व को हम लोग लिखते हैं स्मॉल यू से, और सूत्र होता है स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे ए इंटू डी। अब इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है स्मॉल यू जो लिखा गया इसे बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, और कैपिटल यू यहाँ पर जो है ये संचित ऊर्जा होती है, यहाँ पर ये संचित ऊर्जा है और स्मॉल यू जो दिया गया ये ऊर्जा घनत्व है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस कैपिटल यू का मान आपको यहाँ से रखना जो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, तो इस यू का मान आपको लिखना है एक बटे दो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा ए डी, और बटे में आपको यहाँ पर दिया गया है ए डी इतना दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस ए डी से ये ए डी जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा फिर स्मॉल यू बराबर एक बटे दो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो है ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको बताया गया था हेडिंग में कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, अगर ये लिख के आएगा तो आपको इस सूत्र का निगमन करना है, या फिर पेपर में ये लिख के आ सकता है कि प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अगर प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक आएगा तो आपको वहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करना है, ये आपको याद रखना है कि अगर प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए तो वहाँ पर भी आपको ये ज्ञात करना है प्रति एकांक आयतन, इसलिए यहाँ पर इस आयतन से इसको भाग किया गया है। ए इंटू डी का मतलब यहाँ पर आयतन, तो जब इस आयतन से हम लोग भाग करेंगे यहाँ पर जो संधारित्र का आयतन होगा यानी कि इसका क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी मिला के यहाँ पर जब इन दोनों का गुणा किया जाएगा तो ये बनेगा आयतन। तो इस आयतन से यहाँ पर ऊर्जा को भाग किया गया तो ये प्राप्त हुआ यहाँ पर ऊर्जा घनत्व, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अब इसके अलावा भी आपको इसमें एक पॉइंट ध्यान देना है, आपको ये बताया गया था कि जो संधारित्र है यहाँ पर वायु है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस संधारित्र में वायु या निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ लिया गया हो जिसका परावैद्युतांक कितना होगा कैपिटल के, तो अगर वायु या निर्वात के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पर इसी ऊर्जा घनत्व का सूत्र, फिर ध्यान दीजिए आपको क्या लिखना है, फिर वहाँ पर इस ऊर्जा घनत्व का सूत्र प्रयोग किया जाएगा यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो फिर वहाँ पर आपको ऊर्जा घनत्व का सूत्र इस प्रकार से प्रयोग करना है, याद रखिएगा अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है परावैद्युतांक के होगा तो वहाँ पर ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये यूज किया जाएगा, यानी कि U बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊर्जा घनत्व है
ऊर्जा घनत्व का मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब। आप चाहें तो इस मात्रक का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।